नमस्कार दोस्तों, रेल विकी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने रेल विकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज का हमारे टॉपिक है रैपिड एक्स सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल आधारित रीजनल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा है। ये सेवाएं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर पर चलेंगी। इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में प्रमुख शहरी नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए चलाया जाएगा। NCRTC के मुताबिक ब्रांड नाम रैपिड एक्स पढ़ने में आसान है। इसे विभिन्न भाषाओं में आसानी से बोला जा सकता है। रैपिड नाम को पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूरे क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अपनी यातायात प्रणाली के रूप में अपनाया और पसंद किया जा रहा है। गति और प्रगति को दर्शाने के अलावा नाम में एक्स अगली पीढ़ी को दर्शाता है। दिल्ली से मेरठ जाना होगा आसान। पहले RRTS कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पर रैपिड एक्स सेवाएं 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर प्रदान की जाएंगी। दिल्ली से मेरठ के बीच ट्रेवल के समय को ये काफी कम कर देंगी। NCRTC 2025 तक पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जनता के लिए चालू करने का लक्ष्य बना रही है। इससे पहले निर्धारित समय से पहले 2023 में साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड का परिचालन शुरू हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक बनेंगे 24 स्टेशन। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक के रैपिड रेल कॉरिडोर पर कुल 24 स्टेशन होंगे। इसमें सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलथर, दुहाई, मुरादनगर, मुरादनगर डिपो, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, MES कॉलोनी, दौराली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम स्टेशन शामिल हैं। बिजनेस क्लास भी होगा। यह ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशनड होगी। इसमें लोगों का आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस ट्रेन में इकोनॉमी के साथ साथ बिजनेस क्लास भी होगा। हर ट्रेन में एक कोच बिजनेस क्लास का होगा, वहीं एक कोच महिला यात्रियों के लिए आरक्षित भी होगा।